हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। आज ये ब्रेक के बारे में बताऊंगा। तो ये गाड़ी का मतलब पूरा ब्रेक एकदम जाम हो गया है, ठीक है। और ये मेन रोड पे ब्रेक जाम हो गया था, कैसे तो इसको साइड में लाया ऑटो रिक्शा को, ठीक है, साइड में खड़ा किया। और इसका पूरा एकदम डिक से गर्म हो रहा था, तो मैं पहले इसको ठंडा किया 2 घंटा रुक के। तो अभी इसका ब्रेक खोलने जा रहा हूँ, ये क्यों जाम है। तो बहुत जन का कमेंट आया था ब्रेक के बारे में, बराबर बताते नहीं हो, छोटे छोटे बात को बताते नहीं हो, क्यों जाम होता है, किस लिए जाम होता है। तो आज मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये आज मुझे मेजर काम एक मिल चुका है, मतलब इसका पूरा ब्रेक एकदम जाम हो गया है। देखो, जरा भी टायर हिल नहीं रहा है और मैं पूरा हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है खोलने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ब्रेक पैंडल, ठीक है। ये देखो, इसका ये ब्रेक पैंडल है, ठीक है, ये भी हार्ड हो चुका है ब्रेक जाम होने की वजह से। और ये देखो, इसका हैंड ब्रेक ये नीचे उतरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आवाज़ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बाहर मेन रोड पे हूँ, इसके लिए आवाज़ थोड़ा कम आता रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ टायर का जो हैंड ब्रेक का वायर है वो लगा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, हैंड ब्रेक का वायर इसमें नहीं है, ठीक है, और तो भी इसका ब्रेक जाम है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अभी इसको जा रहे खोलने, और जिसके इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम रहेगा वो सब आपको मैं बताऊंगा, और जो प्रॉब्लम आने वाला है आगे वो भी बताऊंगा। नया नया लाइनर जैसे फिट करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं खोलता हूँ। ये देखो दोस्तों, ड्रम जरा भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। तभी ये जाम रहेगा तो इसको कैसे निकालना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसके अंदर 10 नंबर का 2 बोल्ट लगा के टाइट करके ड्रम को निकालना है, ठीक है, जाम रहेगा तो इस तरह से ये ड्रम निकाला जाता है। कभी भी टाइट कर रहे हो तो एक एक करके टाइट करना है, पहले इसको टाइट करना है, फिर थोड़ा सा इसको टाइट करना है, थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है, ठीक है। तो मैं ये दोनों बोल्ट निकाल के लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे के दिखाता हूँ वीडियो। ये देखो दोस्तों, दोनों बोल्ट निकाल दिया हूँ ड्रम में से, ठीक है, जो इसमें फिट किया था वो निकाल दिया हूँ, ठीक है। अब इसको साइड में रखता हूँ ड्रम को, और ये देखो, चलने की वजह से इसमें ड्रम में थोड़ा लाइन आ गया है, ठीक है, देखे ना आपने, ये देखो, ठीक है। तो अब इसको मैं साइड में रखता हूँ और फिर ब्रेक का लाइनर के बारे में बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पूरा एकदम किट जाम हो चुका है, जरा भी लाइनर अंदर बाहर नहीं हो रहा है। मैं स्क्रू ड्राइवर से चेक करता हूँ, ये देखो, दिख रहा है, जरा भी अंदर बाहर नहीं हिल रहा है। तो इसको खोलना पड़ेगा, और इसका लाइनर अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि लाइनर खराब हुआ नहीं है। लाइनर खराब हुआ रहता तो ये कट चुका रहता लाइनर, ठीक है, और ये सेटिंग जो दिख रहा है ना पूरा बाहर आ गया रहता, ठीक है। ये लाइनर दिख रहा है, अभी नया डाला हुआ था, लेकिन लोकल कंपनी का डाला हुआ लाइनर, ठीक है। तो ये लाइनर इसी को फिट करेंगे दोबारा,
ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा जाम होने की वजह से देखो कैसा हो गया, ठीक है। तो अभी इसको खोलते हैं। ये देखो ये लॉक है, ठीक है। दोनों लॉक निकाल दिए है। और कभी भी लाइनर निकाल रहे हो तो ये सेटिंग को उतार देना है ऐसे स्क्रू ड्राइवर से, तभी लाइनर निकालना है, ठीक है। ये लाइनर है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। इसका स्प्रिंग कैसे चेक करना है आपको दिखाता हूँ, नीचे दिखाओ जरा यहाँ पे। इसके अंदर साउंड आएगा समझ जाओ ये स्प्रिंग खराब हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे गैप आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे गैप आ जाता है, इसके वजह से स्प्रिंग खराब हो जाता है। तो स्प्रिंग को बदली कर देना है, ठीक है। देखो अभी ये लाइनर को साइड में रखता हूँ और स्प्रिंग बदली कर देंगे। ऊपर दिखाओ। और ये जो सेटिंग है कैची, जिसको कैची बोलते हैं, थोड़ा दूर से दिखाओ। ये देखो एक कैची है, तो कभी भी इसका सेटिंग ना देखो यहाँ पे फिट करते टाइम में ये सेटिंग बराबर रहना चाहिए। तो अभी देखो इसका सेटिंग थोड़ा अंदर है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ ये आगे की तरफ प्रेस करके, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेटिंग करके रखना है फिट करते टाइम में। तो मैं अभी इसको लगा देता हूँ ऐसा। अभी ये इसका किट चेक करेंगे, नज़दीक लेके आओ। ये देखो किट, जरा भी ये हिल नहीं रहा है किट, ठीक है। ये किट हो गया जाम, ठीक है। जाम की वजह से मतलब ये ब्रेक जाम हो गया है, तो ये किट को निकालना है। तो मैं अभी इसको खोल के लेता हूँ किट को, ठीक है। देखो एक किट बहुत जाम है, इसको हथौड़ी से मेरे को निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो आराम आराम से निकालना है इसको, ठीक है। ये किट है पूरा एकदम फूक गया है, दिख रहा है कितना जाड़ा हो गया किट, ठीक है। तो एक किट की वजह से ब्रेक जाम हो जाता है। कभी भी आप लाइनर का काम कर रहे हो, ब्रेक का काम कर रहे हो, तो किट चेक करके लेना है, जिससे क्या होता है आगे प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। तो जब भी आप खोलते हो तो किट चेक करके लेना है और इसको बदली कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ और दूसरा वाला खोलते हैं। ये देखो दूसरा वाला किट है, दिख रहा है, ये भी एकदम फूक गया है। तो अभी इसको अच्छे से साफ करके लेते हैं, पिस्टन को, ठीक है, और एक किट निकालते हैं। तो आपको पता रहेगा, देखो मेरा अभी वीडियो बनाया हूँ, 2-3 वीडियो किट कैसे निकालते हैं, तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो इसको किट कैसे निकालना है, टेस्टर से निकालना है, ठीक है। इस तरह से मतलब निकाल के लेना है। ये देखो एक किट दिख रहा है कैसा फूक गया किट, ठीक है, क्योंकि आवाज़ आपको नहीं आता रहेगा, क्योंकि सुनाई नहीं देता रहेगा आवाज़, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत आ रहा है जा रहा है, रोड पे मैं काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। ये साइड में रखता हूँ, दूसरा वाला निकाल के दिखाता हूँ।
ये देखो ये दूसरा वाला, ये भी एकदम फूक चुका है, दिख रहा है। और इसको अच्छे से साफ करके लेता हूँ और ये सिलेंडर को भी साफ करता हूँ, ठीक है। सिलेंडर के पास दिखाओ जरा, ये देखो ये सिलेंडर है, इसके अंदर पूरा रस्ट हो गया, अंदर गंदा हो गया पूरा एकदम ऑयल से। तो इसको 0 नंबर से पॉलिश पेपर से साफ करूँगा, ठीक है। तो किस तरह से साफ करते हैं वो भी दिखाऊंगा, पॉलिश पेपर भी दिखाऊंगा आपको। ये देखो 0 नंबर पॉलिश पेपर है, इससे इसको सिलेंडर को साफ करके लेंगे और ये पिस्टन को भी साफ करके लेंगे। तो ऐसा पॉलिश पेपर का छोटा सा ऐसा एक टुकड़ा बना के लेना है, ठीक है। और ये पिस्टन को मैं साइड में रख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ सिलेंडर कैसे क्लीन करना है, ठीक है। तो ये है पॉलिश पेपर, और ऐसे डाल के अंदर क्लीन करके लेना है पूरा, मतलब अंदर की तरफ पूरे राउंड में साफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट ये सब साफ करके लेता हूँ। यहाँ पे दिखाओ जरा, दिख रहा है इसके अंदर कितना गंदा हो चुका है। तो इसको पॉलिश पेपर से ही साफ करना पड़ता है, नहीं साफ करोगे तो जो नया वाला किट फिट करोगे वो भी जाम हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पहले साफ करके लेना है, फिर किट फिट करना है, ठीक है। क्योंकि आज पूरा एकदम बताऊंगा जो जो इसके अंदर प्रॉब्लम रहता है। देखो मैं अच्छे से इसको पूरा राउंड से एकदम घुमा के साफ कर दिया हूँ, ठीक है। अब इस तरफ साफ करता हूँ, थोड़ा सा दूर करो। अंदर दिखाओ, ये देखो मैंने अच्छे से इसको साफ कर दिया है, ठीक है, सिलेंडर को, ठीक है। इस तरह से इसको साफ करना है। सिलेंडर कटा हुआ रहेगा तो सिलेंडर को बदली किया जाता है। तो ये सिलेंडर अच्छा है, मतलब ये जाम हुआ था, इसीलिए इसको 0 नंबर पॉलिश पेपर से साफ करके लिया, जो अंदर रस्ट रहता है वो निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से पिस्टन को भी साफ करके लेना है, ठीक है। तो ये पिस्टन है, इसको साफ करके लेना है, जैसे सिलेंडर को साफ किए वैसे पिस्टन को भी साफ करके लेना है। तो अभी मैं इसको अच्छे से एक्सुब्लेट से, मतलब इसको साफ करके लेता हूँ। तो इस तरह से इसको साफ करना है एक्सुब्लेट से, मतलब कि जो अंदर गंदा लगा हुआ है, ठीक है, इसको साफ करके लेना है। ये देखो, अब इसको 0 नंबर पॉलिश पेपर से ऐसा घस के लेना है, ठीक है, ये देखो। और ये अच्छे से पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मैं इसको साफ करके लेता हूँ। आप समझ गए रहेंगे कैसे साफ करना है इसको, ठीक है। तो मैं ये फटाफट इसको साफ करके लेता हूँ, फिर आगे का वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है।
ये देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है पिस्टन को दोनों, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिखाया हूँ कैसे इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो ये पिस्टन को मैंने साफ कर दिया है। अभी आप ये देखो, ये नया किट है बजाज का, ठीक है। इसका पार्ट नंबर देख लो, पीछे साइड का किट है, देखे पार्ट नंबर। अभी इसको खोलते हैं, ये देखो दोस्तों, ये नया किट है, ठीक है। अभी आपको जूना वाला किट दिखाता हूँ। ये देखो, ये जूना वाला किट है। तो ये देख लो, नया और जूना किट में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये किट फूक चुका था क्योंकि इसको टाइम पे चेंज नहीं किए, ठीक है। इसको टाइम पे चेंज किए रहते तो ऐसा आज प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ये देखो, सामान कोई भी रहे लेकिन उसको अच्छे से फिट करने के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये देखो, ये भी बजाज का किट था। जब इसका लाइनर चेंज किए तो एक किट बदली नहीं किए, इसकी वजह से इनके गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो ये देख लो दोनों किट का फ़र्क। तो एक किट फूक चुका है, ठीक है। अब ये बजाज का किट फिट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप लाइनर चेंज करते हो तो किट ज़रूर बदली कर दे, जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ और ये किट कैसे फिट करना है पिस्टन में उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इस तरह से किट फिट करना है। ठीक है, एक किट फिट हो चुका है इसमें पिस्टन में, और दूसरा वाला फिट करेंगे। ठीक है, ये भी देखो फिट हो चुका है अच्छे से, देखो दोनों फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर का बूट लगा के लेंगे, बूट, ठीक है। ठीक है, दोनों का बूट लगा दिया अच्छे से, और इसको अच्छे से साफ करके लेना है फिर से कपड़े से, ठीक है। और इसको फर्स्ट टाइम ऑयल लगाना है, जब आप फिट कर रहे हो तभी इसको ऑयल लगाना है, उसके बाद इसके अंदर कभी ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। सिलेंडर में कभी ऑयल नहीं डालना है, जिससे नहीं तो जब बार बार आप ऑयल डालोगे तो ये किट फूक सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब फर्स्ट टाइम फिट कर रहे हो तभी ऑयल लगाना है और फिट करना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक किट निकाल के बदली होता है, ठीक है। आगे प्रॉब्लम ना हो इसीलिए डायरेक्ट इसको बदली कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाओ जरा, अभी इसको मैं एक बार और अच्छे से साफ करके लेता हूँ। जो यहाँ पे ऑयल हुआ है, पूरा ऑयल दिख रहा है ना, ब्रेक ऑयल। जब भी आप खोल रहे हो, ब्रेक का काम करा रहे हो, तो ऑयल आपके इसके ऊपर ड्रम प्लेट के ऊपर ऑयल आया हुआ है, तो उसको पानी से साफ करना है, ठीक है। ये जो ड्रम प्लेट है, रस्ट इसमें जंग नहीं लगेगा ड्रम प्लेट में, ठीक है। तो इसको कभी भी पानी से साफ करना है, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी फिलहाल, तो मैं इसको अच्छे से कपड़े से साफ करके लेता हूँ, फिर उसके बाद किट फिट करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया पूरा ड्रम प्लेट को, ठीक है। तो अभी ये पिस्टन फिट करने जा रहे हैं सिलेंडर में। तो पिस्टन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, जिससे ये इजी फिट हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा सिलेंडर में भी लगाना है, ठीक है, ब्रेक सिलेंडर। ऐसा फ्री रहना चाहिए, ठीक है, पिस्टन। अब इसके ऊपर का जो बूट है इसको फिट कर देना है।
ये देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से फिट कर दिया है, ठीक है। ये अच्छे से बूट फिट होना चाहिए लास्ट में, एकदम कॉर्नर में नहीं बैठेगा तो इसको स्क्रू ड्राइवर से दबा के फिट करना है, ठीक है। तो अभी दूसरा वाला फिट करेंगे, तो उससे पहले इसमें स्प्रिंग डाल के लेंगे। ये देखो स्प्रिंग ऐसे फिट कर देना है, उसके बाद ये पिस्टन फिट करना है। तो ये पिस्टन फिट करेंगे ना, तो उस टाइम में पंप करके एयर निकाल देना है, जो ऑयल ऐसा दबा के और पंप करेंगे ना, तो जो ऑयल यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे दबा के रखना है दूसरे वाला पिस्टन को, ठीक है। दूसरा वाला पिस्टन को दबा के रखना है और उसके बाद पंप करेंगे तो ऑयल सब निकल जाएगा, एयर वाला ऑयल, और उसके बाद ये पिस्टन को दबा के फिट कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं पिस्टन को ऑयल लगा के लेता हूँ और फिर फिट करता हूँ, तो वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हम दो ही जने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट मैं ये करके लेता हूँ, एयर निकाल के लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी पंप करना है, पंप करके एयर निकाल के फिर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैंने पंप करके एयर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे दबा के रखा, फिर पंप किया, फिर उसके बाद जो ऑयल निकला यहाँ से बाहर वो एयर निकला, और उसके बाद मैं अभी इसको फिट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से एयर निकालना है, ठीक है, नहीं तो आपको ब्रेक का काम करने के बाद भी एयर निकाल सकते हैं पीछे की तरफ से, ठीक है। तो मेरे वीडियो में मैं दिखाया हूँ पीछे से कैसे एयर निकालते हैं, मेरे चैनल पर है वीडियो, उस पर जाके देख भी सकते हो आप, ठीक है। तो मैं अभी इसको फिट करके लेता हूँ। इस तरह से इसको फिट करके लेना है। तो मैं अभी इसको एयर निकाल दिया हूँ अच्छे से, अब देखो इसको दबाया गया तो प्रेस होएगा, ठीक है। तो अभी मैं साफ करके लेता हूँ पूरा, फिर आगे का दिखाता हूँ वीडियो। ये देखो दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत धूप कड़क हो चुका है, इसकी वजह से आपको थोड़ा कम दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइनर है, ठीक है, और ये लाइनर को मैंने ना अच्छे से ना एक्सो ब्लेड से घस के लिया हूँ, ठीक है। और ये जो कॉलर रहता है ना, मैंने इसको साफ करके लिया है, और आपको दूसरा वाला दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो कॉलर है ना, इसको कभी भी साफ करके लेना, जिससे जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये लाइनर के बारे में बता रहा हूँ आपको, जब भी लाइनर आप फिट कर रहे हो तो यहाँ का जो कॉलर है इसको साफ करके लेना, और पूरा लाइनर को अच्छे से घस के लेना एक्सो ब्लेड से, ठीक है, जूना लाइनर है तो, ठीक है। तो अभी मैं दूसरे वाले को भी साफ करके लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये मैंने किट फिट कर दिया है, अभी ये हाथ से एकदम अच्छे से वर्किंग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो, ठीक है, दोनों हाथ से प्रेस करने पे अंदर जाना चाहिए और ऐसा हिलना चाहिए, ठीक है। तो और आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाओ जरा, ये देखो ये लॉक है, ठीक है, ये लॉक है, इसको लॉक को थोड़ा टेंशन देना है, जिससे क्या है लाइनर हिले ना, ठीक है, नहीं तो लाइनर हिलते रहता है, उससे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको यहाँ पे दिखाओ जरा, तो ऐसे आपके पास टी रहेगा, टी में इसको ऐसा, टी में आपको ऐसा फिट करना है और हथौड़ी की मदद से इसको जरा टेंशन देना है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको टेंशन देना है। देखो दूसरा वाला देखो, और ये देखो, ठीक है, ये अंदर जा रहा है ना, अभी ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करके लेना है सेम ऐसा, ठीक है। तो इसको भी मैं करके लेता हूँ, क्यों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसीलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ फटाफट। देखिए दोनों को मैंने अच्छे से इसको टेंशन दे दिया हूँ, जिससे लाइनर बैठाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और इसका जो स्प्रिंग है वो नया चेंज करना है, जब भी आप किट बदली कर रहे हो तो स्प्रिंग नया चेंज करना है। ये इसका पार्ट नंबर है, देख लो, ठीक है, ऊपर दिखाओ जरा, ठीक है, ये देख लो पार्ट नंबर, ये राइट साइड का स्प्रिंग है, ठीक है। अभी मैं फटाफट लाइनर बैठा के लेता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये लाइनर का लॉक देखो, दोनों लॉक है, ठीक है। तो अभी इसको लाइनर फिट करके लेते हैं, ठीक है, इसमें लाइनर फिट करते हैं। ये देखो दोस्तों, लाइनर के अंदर छोटा वाला स्प्रिंग लगा के लेना है,
ठीक है, ये देखो इस तरह से, और इसके इधर नीचे नीचे होल है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे होल है, तो नीचे की तरफ वाले में फिट करना है, ठीक है। और इस तरह खांचे में फिट करके लेना है पिस्टन के, ठीक है। और ये जो लॉक है इसको मैचिंग करना है, ठीक है, लॉक को मैचिंग करके फिट करना है। ठीक है, इस तरह से लॉक लगा के लेना है, ठीक है। एक साइड का फिट हो चुका है, अब दूसरे साइड का फिट करेंगे। तो एक साइड में ऐसे लगा के लेना है, अब दूसरे साइड का आपको दिखाता हूँ उस तरफ कैसे लाइनर फिट करना है। ये देखो दोस्तों, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को कभी भी ना इस एंगल में बैठाना है, दिख रहा है ना, ये एंगल के हिसाब से बैठाना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये जो खाचा है ना, इसके अंदर ये डालना है स्प्रिंग को, ठीक है। तो स्प्रिंग बैठ चुका है और ये लाइनर है, ठीक है। तो लाइनर के इसके अंदर ऊपर वाले ये जो होल दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसके अंदर ये फिट करना है स्प्रिंग को, ठीक है, और पिस्टन के खांचे में लगाना है। ये देखो, तो यहाँ पे चेक कर लेना है ये जो कैची है इसको, ये बराबर सेट है कि नहीं। तो पीछे की तरफ पूरा प्लेन रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको बराबर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो पीछे की तरफ एकदम प्लेन रहना चाहिए, तभी ये लाइनर अच्छे से बैठेगा। ठीक है, इस तरह से इसको बैठा के लेना है। अब नीचे वाला स्प्रिंग फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखाओ जरा, तो ये देखो स्प्रिंग है, इसको पहले यहाँ पे खांचे में डाल देना है स्प्रिंग, और दूसरे वाले खांचे में फिट करके लेना है, ठीक है। तो ये नीचे वाला दूसरा वाला खांचे में यहाँ पे फिट किया, अब उसके बाद लाइनर को यहाँ पे खांचे में फिट करना है, और फिर ऊपर की तरफ थोड़ा ढकेल के एकदम सेट कर लेना है, और फिर उसके बाद ऐसा लाइनर को प्रेस करना है, और जो पीछे वाला लॉक है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। लॉक इस तरह मैचिंग करके लाइनर के होल में से, और ये लॉक फिट करके लेना है। जल्दी लॉक नहीं बैठता क्योंकि हार्ड रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लॉक को दबा के तब बैठाते, तो कभी भी लॉक को दबाना नहीं है, जिससे क्या है लाइनर कभी हिले ना, ठीक है। तो इस तरह से लाइनर बैठा के लेना है। अब इसके ऊपर मैं पॉलिश पेपर मार के लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, पॉलिश पेपर मार दिया हूँ, अब इसको साफ करके ले लेता हूँ। जो लाइनर का रस्ट है, जो निकला हुआ है लाइनर का बारीक बरूदा, उसको साफ करके लेना है, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको भी पता रहे। आज छोटा छोटा जो फोल्ड है वो आपको सब बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि बाद में बोलना मत कमेंट में नहीं बराबर समझ में आया, ठीक है। ये देखो ये ड्रम है, ठीक है, थोड़ा दूर करके दिखाओ जरा, ये ड्रम है, इसके ऊपर लाइन आया है, तो इसको लाइन को कैसे साफ करना है, सही करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आपके ड्रम में प्रॉब्लम रहेगा तो आप साफ करना, नहीं तो नहीं साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, इसको मैं ड्रम को फिट कर देता हूँ, ठीक है। ड्रम को फिट करके यहाँ पे नट लगा के लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो नट, और उसके बाद गाड़ी चालू करके पॉलिश पेपर से घस के लेता हूँ, ठीक है, गियर में, दूसरे गियर में डाल के पॉलिश पेपर से घस के लेता हूँ, जिससे ड्रम थोड़ा अच्छा हो जाए और ब्रेक अच्छा लगे, ठीक है। जो ये लाइन आया हुआ है ये ठीक हो जाए, ठीक है। ठीक है, अभी गाड़ी चालू करके लेते हैं, और गाड़ी चालू करने के बाद मैं इसको घस के लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। दूसरा गियर में डालो,
ठीक है, बंद कर दो गाड़ी। ये देखो मैंने इसको अच्छे से ड्रम को साफ करके लिया पॉलिश पेपर से गाड़ी चालू करके, ठीक है। तो इस तरह से साफ करना है। ये देखो जो एकदम लाइन था वो कम हो गया, ठीक है। अब जो बड़ा वाला लाइन है वही सिर्फ है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये ड्रम प्लेन हो चुका है, अभी ब्रेक अच्छे से लगेगा। तो इस तरह से करके लेना है साफ। तो देखो मैं इसको अच्छे से पूरा यहाँ पे क्लीन करके लिया है। तो अभी फटाफट इसको ड्रम को खोलता हूँ और इसमें फिट करता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने ड्रम को अच्छे से साफ करके ले लिया है और यहाँ पे भी मैंने साफ किया है, ठीक है। तो अभी लाइनर को अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। अभी ये इसको फिट कर देना है, ठीक है, ड्रम को, ठीक है। ये देखो ये ड्रम एकदम फ्री है। अभी टायर लगा के लेता हूँ, ठीक है। ये इसका स्प्रिंग वाइजर और इसका नट, ठीक है। तो दो मैं टाइट करके लेता हूँ क्योंकि आपको दिखाना है टायर फ्री है कि नहीं, क्योंकि मेरा बैटरी भी उतरने वाला है मोबाइल का, ठीक है। तो वाकई आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, देखो पानी के मारे एकदम फ्री है टायर। अब आपको ब्रेक दबा के दिखाता हूँ, ठीक है। दबाओ जरा ब्रेक, दबाओ ब्रेक, दबाओ ब्रेक, दबाओ जरा ब्रेक, ठीक है। देखो इस तरह से इसको फिट करना है। दबाओ जरा ब्रेक, देख ले। तो मैं इसको घाई घाई में फटाफट, मतलब क्या है बैटरी उतरने वाला है मेरा, इसके लिए मैंने दो नट लगा के बाकी नट फिट कर दूंगा बाद में। तो आपको बस इतना ही दिखाना था कि ब्रेक कैसे काम किया जाता है ब्रेक का, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक फ्री करके लेना है। देखो एकदम फ्री, एकदम दिख रहा है टायर, देखो एकदम ईजी घूम रहा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपके कमेंट पे वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि कुछ लोग को पता नहीं है ब्रेक का कैसे काम करना है और बार बार मुझे कमेंट करते हैं और बार बार कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया और मैं थोड़ा अर्जेंट में यहाँ आया था और मुझे पता नहीं था ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो सामान के लिए भी मुझे बहुत दौड़ना पड़ा। देखो दोस्तों ये भाई साहब का ये प्रॉब्लम हुआ था ब्रेक का, ठीक है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ तो दूसरा कोई ना फंसे ब्रेक के मामले में, इसीलिए आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो और दूसरा कोई ना फंसे ब्रेक की वजह से, इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मेरा भी मन बनेगा और भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। तो ज़रा आप सपोर्ट दो तो मैं ऐसा और भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको पता चले ब्रेक के बारे में और भी काम के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन अभी बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा बैटरी मोबाइल का उतर जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहीं तक वीडियो था, ठीक है, गुड बाय दोस्तों।